ताल्लुकात क्या, अब हम बोल रहे हैं, आप जब मेरे बैकग्राउंड में जाइएगा तो आपको पता लग जाएगा, तो हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? साहब के अगर बातें को हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? ईमान का रहने वाला हूँ तो उस टाइम कोई याद नहीं रखता, ऐसा लगता है अपना भाई मिल गया। सही बात। आज जब हम एक जगह रहते हैं तो सबसे हम अपने पड़ोसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लेते हैं। तो इसमें हिंदू मुस्लिम ये सारी पैसे जमा कीजिए तो ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। हमने बोला कि खाना नहीं है आपके पास, तो बोलिए हम खाना मंगा के खिलाते हैं और आप दवा बोल देता हूँ वो भी फ्री, मतलब कि दवा का कोई पैसा नहीं मांगेगा, भर्ती का पैसा नहीं ले, पहले बच्चे को ट्रीट करवाइए, जब बच्चा आपका अच्छा हो जाएगा तो आपको दिल करे तो दीजिए। संभवपुर कोई पंचायत है वहां पर मेडिकल कैंप लगाया था और उसमें करीब कई सैकड़ों मरीजों को इन्होंने मुफ्त में इलाज किया और ये हिंदू मुस्लिम एकता का इन्होंने एक संदेश भी दिया। नहीं डॉक्टर साहब से इसी तमाम चीजों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके चैनल को भी। डॉक्टर साहब एक चीज सुनने को आ रहा है कि आप हर शुक्रवार को फ्री में यहाँ पर परामर्श और देते हैं जो भी। बिल्कुल, जब से मैंने अपना हॉस्पिटल खोला ये सिवान में, ये मैंने 8 मई को खोला था, ठीक है, लास्ट ईयर, तो उस दिन से लेके आज तक एवरी फ्राइडे को मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई फीस वीस कुछ नहीं लिया जाता है। सुबह से अभी मैं मरीज देख रहा हूँ आपके सामने ही कितने पेशेंट आए और सारे अब चेहरे पे स्माइल देख रहे थे, ठीक है, तो सारे मैं तो इनसे आप पूछ सकते हैं पेशेंट से कि क्या है कंडीशन, क्या है वाकई आपने फीस दिया कि नहीं, एवरी फ्राइडे को फ्री है। रूटीनली मैं 10 बजे 9:30 बजे में बैठता हूँ, क्योंकि कभी क्या होता है कि 24/7 इमरजेंसी है, ठीक है, हम लोगों का सिचुएशन आप अगर बहुत गौर से या कभी यहाँ 2-4 दिन अपना टाइम दे तो समझ पाएंगे। अब मैरवा से एक पेशेंट आया 4:30 पे मॉर्निंग में, उसको मैनेज करते करते अभी ऊपर पेशेंट है, बात कर सकते हैं कि अगर 4:30 में आप आए हो तो सर कितने बजे आपको देखे हैं, 5 मिनट के अंदर आया, बच्चे को मैनेज किया, बच्चा कल गोरखपुर से रेफर था, फिर वो मैरवा लेके आए थे, फिर मैरवा से लेके आए, ठीक है, तो अब मैं सो रहा हूँ 6:30 में मैनेज करके, तो जाहिर सी बात है हम भी इंसान ही है, रात में कभी 5 बार 6 बार जगना पड़ जाता है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल डे में है, ये नहीं कि ये फ्राइडे को ही, एवरी डे का यही हाल है। आप अगर 2:30 बजे रात में भी आएंगे तो मैं उठ के उस टाइम जरूर मरीज देखता हूँ। अच्छा सर, एक दौर था उस समय ट्रेंड चलता था कि हर जुम्मा को सिवान के सभी डॉक्टरों को फ्री में देखना होता था, यहाँ के नागरिकों को सिवान की जनता की सेवा देना होता था, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के जैसे शासनकाल उनका चला गया उसके बाद ये ट्रेंड भी खत्म हो गया, सारे डॉक्टर अपने हिसाब से अपना फीस तय किए और अपने हिसाब से उसका डेट भी तय किए कितने दिनों तक वैलिड रहेगा सब कुछ, लेकिन आपने आज भी उनके सोच और विचारधारा को आपने जिंदा रखा है। अब हम नहीं जिंदा रखेंगे तो कौन रखेगा? क्या कोई खास ताल्लुकात था क्या उनसे आपका? ताल्लुकात क्या, अब हम बोल रहे हैं, आप जब मेरे बैकग्राउंड में जाइएगा तो आपको पता लग जाएगा, तो हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? साहब के अगर बातें को हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा, और हम कैसे भूल जाए? क्या लगा सर, आज के जो भी डॉक्टर है उन लोगों को भी ऐसा समाज के लिए पहल करना चाहिए? देखिए, किसी पे आप फोर्सली तो थोप नहीं सकते, सबकी अपने मन की इच्छा होती है, हमें लगा तो हमने पहले दिन से किया और होप सो टिल डेथ में करूंगा, जब तक मैं सिवान में हूँ ये चीजें कंटिन्यू रहेगी। आज सर देखा जाए तो समाज में जो डॉक्टर का परिभाषा है कुछ वर्षों में मिल हुआ है, लोग उसको गलत नजर से भी अब देख रहे हैं कि अब डॉक्टरी के नाम पे लूटपाट किया जा रहा है। नहीं, नहीं। लेकिन उस कंडीशन में उस माहौल में इस तरह के सोच रखने वाले भी डॉक्टर हैं समाज में। अच्छा, अब थोड़ा वो जो डेंगू की मरीज थी उसको लेके आइएगा, एक पेशेंट है हमारे पास, वो बेचारी अपने बच्चे से बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी, प्लेटलेट काफी डाउन हो चुका था, वो रोते हुए आई मरीज लेकर के, ठीक है, मरीज लेके रोते हुए आए और बोले कि सर हमारे पास 1 रुपया नहीं है। हम तो उनसे अभी मैं मरीज को बुला रहा हूँ, आप मेरे सामने उनसे पूछिए कि हमने क्या पैसे की डिमांड की कि हाँ अभी पैसा जमा कीजिए तो ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। हमने बोला कि खाना नहीं है आपके पास, तो बोलिए हम खाना मंगा के खिलाते हैं और आप दवा बोल देता हूँ वो भी फ्री, मतलब कि दवा का कोई पैसा नहीं मांगेगा, भर्ती का पैसा नहीं ले, पहले बच्चे को ट्रीट करवाइए, जब बच्चा आपका अच्छा हो जाएगा तो आपको दिल करे तो दीजिए। मतलब खैर कोई भी काम करता है तो फ्री में तो करता नहीं, इवन आप भी कुछ भी करते हैं तो फ्री में नहीं करते, ठीक है, लेकिन हाँ उस इमरजेंसी कंडीशन में हम ये थोड़े बोलेंगे कि नहीं पहले पैसा फिर ट्रीटमेंट,
पहले हमने बोला कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, आप कल दे दीजिएगा, परसों दे दीजिएगा, लेकिन पहले बच्चे का बचना जरूरी है। आज उस औरत के एक ही बच्चा है और वो हंसते हुए जा रही थी, इससे बड़ी बात क्या है। और रही बात पैसे की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई कुछ नहीं करता, आप भी जो काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी हम लोग सिवान के मेटर्निटी चाइल्ड हेल्थ केयर में मौजूद हैं, जहां डॉक्टर संजय आलम से हमारी बात हो रही है। आपको बता दें कि सिवान का एक दौर हुआ करता था जहां हर फ्राइडे को सभी डॉक्टरों को फ्री में देखना होता था, यानी सिवान की जनता के लिए वो लोग मुफ्त में यहाँ पर परामर्श देते थे। लेकिन 2005 के बाद वो दौर चला गया, वो ट्रेंड भी खत्म हो गया, सारे डॉक्टर आए तो सिवान थे। क्या कहना चाहिएगा इसको लेकर? नहीं देखिए, ये कहाँ से बात है कि हिंदू मुस्लिम, आप एक बात बताइए, आप कभी भी सिवान छोड़ते हैं, सपोज दैट सिवान छोड़ के आप दिल्ली मिले और आप परेशान रहे और आप बोलें कि सर मैं सिवान का रहने वाला हूं, तो उस टाइम कोई याद नहीं रखता, ऐसा लगता है अपना भाई मिल गया। आज जब हम एक जगह रहते हैं तो सबसे हम अपने पड़ोसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लेते हैं। तो इसमें हिंदू मुस्लिम ये सारी पॉलिटिक्स की चीजें हैं, ठीक है। कहाँ से कौन सा, जैसे आप पले बड़े वैसे हम पढ़ रहे, जो आप खा पी रहे हैं वो हम खा पी रहे हैं, हम सिमिलर ग्रो किए साथ में, हमारा भाषा सेम, रहना सेम, ठहरना सेम, सब कुछ सेम है, सिमिलरिटी है। एक हिंदू मुस्लिम कहाँ से, तो ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लड़की बच्चे समझदार, खासकर यंग जनरेशन, फेसबुक देख देख के एक साइकेटरी टर्म होता है थॉट इंसर्शन, एक गलत बात को 10 बार आपसे बोला जाए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि सामने वाला गलत है, समझ गए। तो ये तो बेकार की बात है, ये सब हम एक हैं, कोई फर्क नहीं है। किसी दिन आप आउट ऑफ इंडिया जाके कोई सिवान का आदमी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि गले लगा ले, उस टाइम आप हिंदू या मुस्लिम नहीं सोचेंगे, लगेगा कि ये मिल गया यार, ये मेरे भाई मिल गया, ठीक है। तो ये तो सारी बेकार की चीजें हैं। और वो क्या है कि उस दिन सर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो था जन्मतिथि थी, तो उस दिन बुलाया गया, ठीक है। मदरसे में कौन से बच्चे जिनको खाने का ठीक नहीं है, इलाज कहाँ से करवाएंगे बेचारे, जिनके पास कपड़े नहीं है, खाने का ठीक नहीं है, तो ठीक है। वैसे उस जगह पे कोई भी कहीं भी बुलाए तो हम जाना बिल्कुल प्रिफर करेंगे, सबसे पहला प्रायोरिटी में हमारी वही रहेगी। इन्हीं लेडीज की बात कर रहा था, बता इनसे अब। हाँ देखिए, यही वो पेशेंट हैं जिनका यहाँ पे जो एक लौता जो छोटा बच्चा था जिनको डेंगू हो गया था और प्लेटलेट्स काफी डाउन हो गया था, और इनका मतलब जीवन बोले तो अब ये रात दिन दुख में बीत रहा था, रो रो कर इनका बुरा हाल था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर साहब ने पहले इनका ट्रीटमेंट किया, पैसा का बात कहीं नहीं हुआ, और ट्रीटमेंट होने के बाद अब इनके चेहरे पे खुशी की लकीरें हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। कहाँ घर पर चाची राहुल? घर पर ये तिलकोट। क्या भइल बा रुआ बच्चा के, क्या भइल बा? अरे बाबू के डेंगू बुखार हो गेल है, प्लेटलेट्स कम हो गेल है। कहाँ चाची राहुल नहीं है रुआ? आरिफ हुसैन के लगे देखले रही तो जांच लिख ले, 3 दिन के दवाई दिले रहन, ओकर बाद कौन के जा 3 दिन के बाद दवाई खिया के लेके आई ह, त लेके आई बुखार उतरते न रहो, रात रात भर दिन दिन भर बुखार, त लेके आई त जाके जांच लिखो त एथी इक्वल हो गए डेंगू। आ हां हमरा लगे वो बरे वो पैसा ना रहो, यहां कैसे मालूम करू डॉक्टर सदर आलम के पास के नहीं मिलूगा के बतोगे जुगाड़ में? हमारे थे प्रतापपुर, हमारे हिताई बा, हमारे मम्मी ये ससुर बड़ा रूह उकरे लेके बतावो डॉक्टर साहब का चल है। हां ती तो मतलब डॉक्टर साहब कोई पैसा के डिमांड कोई के ना, को? ना ना ये पैसा हमरा लगे ना, उन्हीं पैसा ना ले हो रो मेरा, हम उधार सब में थी कोले अरे दवाई हो गए बच्चा रहा सही हो गए ना। हां तो मैंने खुश बनी हो देख सकते हैं ये पेशेंट हैं जिनका बुरा हाल था, यही उनका इकलौता बेटा है, इकलौता लड़का है जिसको डेंगू हो जाने के कारण प्लेटलेट्स काफी डाउन हो गया था, लेकिन कोई इनका सहारा नहीं बन रहा था। और कैसे भी इनको पता चला रिलेशन के माध्यम से कि कोई डॉक्टर है सिवान में, डॉक्टर सदरे आलम, उनके पास चले जाइए, वहां पे पैसा का कोई मायने नहीं रहता है,
उनका जानकारी लेकर यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे डॉक्टर साहब ने इस बच्चे का इलाज किया और एक रुपये का भी डिमांड नहीं किया, पहले का पैसा है कि नहीं है। देख सकते हैं इससे बड़ा मानवता क्या हो सकता है। आज जहाँ डॉक्टरों को एक गलत नजर से देखा जा रहा है मार्केट में, लेकिन उसी मार्केट में कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो इंसानियत का परिभाषा बने हुए हैं, और उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर सदरे आलम, जो SS मेटर्निटी एंड चाइल्ड केयर जो अड्डा नंबर 3 के पास मौजूद है, वहीं पे इनका अपना खुद का क्लिनिक है। चलिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहिएगा समाज में जो डॉक्टर हैं जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं कर पाते हैं, पेशेंट वहाँ पे देखा जाता है पेशेंट कई जगह तो मतलब मर जाते हैं पेशेंट पैसा के लेकर। जाहिर सी बात है ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग ठीक हैं, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि सारे लोग गलत हैं, और ये भी नहीं कहूँगा कि मैं ही एक ऐसा हूँ, नहीं नहीं, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत अनेस्ट लोग हैं, ठीक है, ये ऐसा बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है। अब रही बात, अब दूसरा ये सीवान है, ठीक है, जब मैं इससे पहले दिल्ली सफदरजंग में था, ठीक है, वहाँ पे सीनियर डॉक्टर था 8 साल तक, तो कहने का मतलब यहाँ के जब पेशेंट जाते थे वहाँ पे तो उनको लगता था हम दिल्ली जाके दिखा रहे हैं, अब वही हम यहाँ देख रहे हैं तो उनको लगता है कि हम सीवान देख रहे हैं, ठीक है, माइंड चेंज हो जाता है। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे हाँ एक चीज से हम लोग जरूर डरते हैं कि कोई सीरियस मरीज है उसको हम अटेंड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वी आर नॉट गॉड, वी आर लाइफ सेवियर, हम लोग जिंदगी बचाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन अब सीरियस मरीज रहे तो उसमें यहाँ लेने पे डर लगता है, क्योंकि अगले दिन 10 लोग लड़ने के लिए आ जाएंगे, उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि हाँ कब भाप लगना चाहिए या स्लाइन चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, बस वो जो गांव देहात में सुने वही आके वैसे ही बदतमीजी से बोलना शुरू करती है, तो वैसे लोगों से थोड़ा हम लोगों को डर लगता है और उसी मजबूरी में हटाना भी पड़ता है। अच्छा सर, तो बड़े डॉक्टर बड़े शहरों में आप अपनी सेवा दिए हैं, लेकिन जो लोग नेम फेम के पीछे जाना पसंद करते हैं, जैसे गोरखपुर का नाम सुनते हैं उनको एक बिलीफ जग जाता है, पटना का नाम सुनते हैं एक बिलीफ जग जाता है, और सिवान का नाम सुनते हैं तो एक अलग माइंड चला जाता है, नहीं यहाँ पे सही नहीं होगा, क्रिटिकल सिचुएशन है, पटना ले जाओ या गोरखपुर ले जाओ। देखिए क्या है ना, इनको भी बोला गया था पटना लेके जाइए, ठीक है, लेकिन एक तो ये था कि बीच में इन बिटवीन एक ऐसा बंदा था कि जो मेरा जानने वाला था और इनका भी जानने वाला था, ठीक है, तो उसने हमसे फोन करके बोला डॉक्टर साहब मैंने बच्चा ठीक हो जाएगा, हम बोले 100% तो नहीं, 99% गारंटी दे रहे हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने लड़ाई झगड़े से हर कोई डरता है, अरे इतने स्टडी करने के बाद कौन लड़ना झगड़ा चाहता है किसी से, तो बोले कि नहीं 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 बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं, इवन इनके हस्बैंड का फोन आ रहा था मुंबई, वो भी बहुत रो रहे थे, ठीक है, बहुत परेशान थे, एक ही बच्चा इनका, तो मेरे कहने का मतलब हम कोशिश किए, बच्चा ठीक होके जा रहा है, ऐसे लाखों बच्चे हैं, अभी आप कुछ देर पहले आते तो एक गोरखपुर से पेशेंट आया था, ठीक है, गोरखपुर का रेफर था, वहां से ठीक होके गया था, ठीक है, उसके बाद से वो आज फिर गोरखपुर एक दिन मैंने खुद भेजा था कि जाके एक बार मिल लेना जरूर, तो मिल के आया तो बोले सर क्यों भेज दिए, सेम चीज तो था, सब कुछ सेम था। अब मेरा जूनियर डॉक्टर जमशेद गोरखपुर में बैठता है तो वो गोरखपुर का डॉक्टर हो गया, ठीक है, गोरखपुर का हो गया, अगर मैं आके सिवान का पैदा हूँ, यहाँ ये मेरी धरती है, मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं यहाँ का डॉक्टर हो गया, डिफरेंस कुछ